भाई काफी काफी ही ओहो ये देखो साइड देखे बस यहीं खड़ी हो सारी गाड़ी भाई लीक हो रहा है क्या कुछ भाई इसमें कुछ तो पड़ रहा है देख लो भाई नाली सच में डिस्ट्रॉयड है मैन पीपल से कि डिस्ट्रॉय नहीं हुई होगी भाई देख लो हाल क्या हो पड़ा है मनाली का ती अगर ये चार लेन हाईवे था तो एक बची है ये देखो हम कोने से जा रहे हैं उधर से सब कुछ गया भाई देखो दिस इज द डिस्ट्रक्शन इस बार की हो रहा भाई रे भाई कल वहां से लेफ्ट से आए थे ऊपर से सीधा जिंदरताल की तरफ गए थे अब ये जा रहा है टुवर्ड्स मनाली तो अब भाई सीधा 87 किलोमीटर ओनली तो ये रास्ता पकड़ लिया देखो ये रास्ता कैसा रहता है नया रास्ता है आपको आगे दिखाएंगे इस पर एम्बुलेंस वगैरह ले लूंगा भाई थोड़ा बहुत अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा लगा तो दिखाता हूँ वरना रास्ते सारे भाई टूटे फूटे से हैं देखते हैं आगे जाके कहाँ से इतना सिस्टम रहता है इनका दो घंटे दिखा रहा है अभी ये तो सही जा रहे हैं घंटे में पहुँच जाएंगे मनाली इसके हिसाब से सोलांग वैली चलो जी चलते हैं सोलांग वैली पहुँचते हैं दिखाते हैं पूरे नज़ारे वहाँ चाची पहुँच गए थैंक्स फॉर विजिट पैरासोल कैंप जिंदल और चाचा चाची ढाबा यहीं कहीं भाई है पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा कहाँ है चाचा चाची यहाँ है भाई ना चाचा चाची चंद्रताल ढाबा खाए हो कुछ ये है काफ़ी फेमस जो है चाचा चाची ढाबा काफ़ी पुराना है और यहाँ पे लोग आते रहते हैं ठीक है और बाटल है ये बाटल हम जैसे यहाँ से चंद्रताल की तरफ से आए थे रात को अंकल है चाचा चाची के ओनर और इनके बेटे के पास ही रुके थे हम रात को कैंप में तेंजिंग भाई के पास तो वो भी भाई काफ़ी अच्छे कैंप है और भाई यहाँ पे अभी डस्टबिन ऑब्वियसली भाई हम कहीं फेंकते नहीं है कुछ भी देख लो ना सारा कूड़ा हम साथ लेके जाते हैं तो यहाँ डस्टबिन है तो हम सब कुछ अपने डस्टबिन में ही डाल के जाएंगे ताकि भाई बीच में करना ना पड़े हमें कहीं भी तो जी चाचा चाची बाहर ढाबा आपको दिखाया था अंदर आ गए हैं मैगी बन गई है और बढ़िया अपने 7-Up साथ चल रही है अंदर का देखो अंदर ठीक है गर्माहट सी भी है और हवा से बच रहा है बहुत बढ़िया है दीदी ने बना के दी हमें मैगी थैंक यू दीदी और अच्छा लगा भाई बढ़िया मजा आएगा चलो खाते हैं लेट्स हैव इट एंड चलते हैं फिर आगे टुवर्ड्स मनाली होटल रुके थे 7-Up ली हमने भाई चाचा रेडे हुए थे मैगी खा ली 7-Up ले ली भाई भी थोड़ा कुछ खाने का लाया है और भाई ने थोड़ा और लिया है कार बहुत सेक्सी लग रही है भाई हवा बहुत तेज़ है और अभी इनने बताया कि करम्फू है यहाँ से 50 किलोमीटर तक तो 50 किलोमीटर भाई ऐसे ही रोड रहने वाले हैं गंदे रोड ख़राब रोड और उसको कवर करने में मेजोरिटी में टाइम लगेगा शायद 1 घंटा लग जाए एक नहीं ज़्यादा लगेगा 2 घंटे उसको कवर करने में लग सकता है 1.5 लग सकता है बस फिर उसके बाद तो रोड अच्छे हैं भाई देखो थार बताओ मेरी कैसी लग रही है भाई कमेंट में सेक्सी लग रही है ना होगी थोड़ी गंदी हो रखी है पर ऑफकोर्स यार स्पीति और लद्दाख अगर गंदी ना होगी गाड़ी तो फिर फायदा क्या देख रहे हो भाई खतरनाक रास्ते और नज़ारे आगे देखो पहाड़ है भाई उसके बर्फ के बिल्कुल ढके हुए भाई आगे और ठंड है और सही है भाई एक नंबर भाई डेंजरस नज़ारे भी है मज़े भी आ रहे हैं उसके अपने मज़े हैं ठीक है ड्राइव का यहाँ पे अलग फन है भाई क्या ही बताऊँ मैं तो मज़ा आ रहा है पर वही है भाई जितने में जितना मज़ा आ रहा है ना डेंजर भी उतना ही तगड़ा है राइट में देखो पत्थर पड़े हुए हैं सारे लैंडस्लाइड होती रहती है यार बहुत ज़्यादा यहाँ तो अपने जितनी जल्दी हो सके भाई रुको मत ऐसी जगह पर बस यहाँ से निकलते चलो देखते हुए नज़ारे पार हो लो वो वाला सिस्टम है भाई पर आप मज़े बहुत लोगे भाई यहाँ आओगे ना आप लोग जब भी आपको इतना अच्छी फील आएगी ना कि बिल्कुल सेक्लूजन है कोई बॉदर करने वाला नहीं है तो उसका ये मज़ा है भाई कभी भी आओ तो आए करो टाइम लगे ये और अगर आपके अंदर दम है तो भाई आप काफ़ी लंबी लोकेशन एक ही बार में पार कर जाओगे अगर आप ड्राइव कर सकते हो और हिम्मत है उतनी बैटरी की गाड़ी के अंदर तो खींच जाओगे भाई यही गाने पानी जा रहा है तारर भाई काफी काफी ही ओहो ये जो आया कुछ मजेदार से सोता भाई वाह अब तक की सबसे बढ़िया वाटर क्रॉसिंग तो यही लगी जहाँ थोड़ी गाड़ी अटकी भी थोड़ी सही पर थोड़ी बहुत तो अटकी मजा आया साइड देखे बस यहीं खड़ी हो सारी गाड़ी
ऑटो में तो लता जी देखो भाई कहां, बिल्कुल भाई कोने में खड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साइड में खाई है, यही जमाए खड़े अपनी गाड़ी को। आगे थार आ रही है, हैरियर, हैरियर, जिमनी, तीनों बढ़िया गाड़ी आ रही है। नाइस जिमनी भी सही लगा यार, मैंने टायर चेंज करा रखे इसने। हाँ टायर चेंज लगा रखे भाई ने। नाइस चलो जी चलो। कच्ची डोर नहीं है मैं क्या करूं, दिल पे कोई सुर नहीं है मैं क्या करूं, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। भाई चाचा चाची ढाबे से हम आए होंगे मुश्किल से 20-25 किलोमीटर चले होंगे भाई, बहुत खराब रास्ते हैं, आराम आराम से चलना पड़ रहा है, दिख रहा होगा। और देखो भाई नज़ारे, देखो भाई क्या आर पार के नज़ारे हैं, नदी बह रही है बीच में अपने रास्ते में, देखो भाई बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं साइड में, और ये देखो नदी बीच में बह रही है, शोर सिर्फ नदी का है भाई, और आर पार मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी है, ठंडी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा भाई जा रहे हैं, चल गए भाई। भाई सही में बहुत मजा आ रहा है, सब भाई खुश हैं, देखो सब चिल कर रहे हैं, लिविंग सो हैप्पी, व्हाट अ लाइफ यार, व्हाट अ लाइफ। आओ ठंड है भाई, बढ़िया ठंड हो रही है, थोड़ी देर में गर्मी हो रही है, रास्ता बढ़िया मौसम हो जाएगा। हां चलो जी चलते हैं आगे, रेस मन कर रहा है थोड़ी देर बैठ ही जाते यार, देख ले ऐसे एरिया में कौन नहीं बैठेगा, आधा घंटा बैठ जाओ यहां भाई शांति से। अभी आपको बोल रहा था ना कि आराम से आना, देख के पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं भाई, अपनी ही गाड़ी लग गई, और थार होके भी लग गई भाई, इतने भारे भारे पत्थर है रोड पे, हैं भाई लीक हो रहा है क्या कुछ भाई, इस पे कुछ तो पड़ रहा है, देख लो भाई बढ़िया लगी गाड़ी। चलो भाई देखते आगे कुछ प्रॉब्लम ना आए तो गाड़ी, भाई पता नहीं वो चीज रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, पर जैसे शायद मैंने वीडियो बंद करी भाई, बट लगा भाई पत्थर बहुत तेज गाड़ी में नीचे, और भगवान ना करे भाई कुछ प्रॉब्लम आए, देखो अब चेक करते हैं, आएगी तो अभी वो सामने आ ही जाएगी, पर भगवान करे भाई सब सही रहे, और वी जस्ट रीच से, पता नहीं भाई कैसे, नहीं पत्थर इतना बड़ा था नहीं भाई, पर वो पता नहीं कैसे लगी गया यार नीचे। ये देखो जी सामने सही जुगाड़ बना रखा भाई ने, अभी यहाँ पे बिजली की थोड़ी कटौती ऑब्वियसली रहती होगी ऐसे बिल्कुल आउटगोइंग एरियाज में, जो बिल्कुल दूर है रूरल एरियाज भाई, तो भाई ने पीछे सोलर पैनल ही टांग रखा अपने, कि रात को ऑब्वियसली से कहीं ना कहीं बैटरी बना रहा होगा, और इसके फोन वगैरह में काम आ जाएगी रात को, बेचारे क्या घर में काम आ जाएगी, तो अच्छी बात है रे भाई, आदमी जैसे मर्जी जुगाड़ निकालता ही है सही। अब इनको पता है पूरा दिन भाई घूमना है धूप वगैरह में, तो अपने पहन लो ताकि चार्ज भी हो जाए, रात तक अपना काम फिट। सही है भाई, बस बढ़िया जी। हम पहुंच गए छतड़ू, अब भाई बताना उसकी कितनी जनसंख्या लिख रही थी, 20 लिख रखी थी या 120 लिख रखी थी, वो समझ नहीं आया। 20 पुराना ब्रिज ले लिया हमने गलती से, पर हमने ये तो लेवा रेस करी कि वो झूल रहा है, आराम तो भाई जल्दी लिख लो भाई इससे थोड़ा, तो पुराना ब्रिज ले लिया भाई गलती से, और चलो कोई नहीं भाई अपने को क्या पहुंचना है, निकलना था निकल गया, चलो भगवान की दया से सही निकल गया हाईवे भाई, भेड़ों ने जाम करा पड़ा है, रास्ते तो बंद है, अगर रास्ते बंद हो है तो सही, हट जाओ बेटा जाम लगाए खड़ी है पूरा रास्ता, हल्का सा टक्कर मार चला हटती रहो, कोई सी आई ना जाओ यार नीचे ना 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 ये घोड़े भी रखे हैं, घोड़ा भाई भेड़े दोनों कुछ रखे भाई हमें ना, तो बैठा बने जा रहा है बस, देखो भाई गड्ढे वड्ढे हो गए तो देखो उनको भरने के लिए अपने वर्कर भाई लगे रहते हैं पूरा दिन,
तो भाई पूरा टाइम अपने गड्ढे भरते रहेंगे, क्योंकि गड्ढे इतने हो जाते हैं भाई एरिया से। ये देखो साइड में झरना बह रहा है और मिट्टी। फ्रेश वाटर है भाई। अभी भी 17 किलोमीटर बाद प्लेन रोड टर्मैक वाला रोड आएगा भाई। फाइनली घिस खाते खाते परेशान होते होते भाई कब चले थे, 11:30 बजे चले थे भाई, अब 3 बज गए भाई। 4 घंटे हमारी बैंड बज गई, इतना खराब ऑफरोडर। कल हम शाम से 6 बजे से ऑफरोडिंग करने लग रहे भाई, परेशान होकर लग गए थे सही में। अरे भाई अब एक रोड दिखा सामने आप भाई, अब आपको दिखाएंगे भगवान की दया था भाई। ओ फाइनली रोड दिखा रहा था, ऐसे सास पास आइए दोनों के। अब तो बस पहुंच गए भाई, अब टाइम ना लगे, अब तो कुछ नंबर दिखाते हैं रास्ते आगे। देखो प्लेन, ये देख लो प्लेन रोड आ गया, अब इस पर चढ़ जाएंगे सीधा आगे की तरफ। अपना सोलांग है वो मैंने टनल है, फाइनली पहुंच लिया भाई। आगे मिलते हैं आपसे, रास्ता दिखाएंगे आपको आगे। यस भाई यस, सोलिए भाई के लेटर तो आ लिया, चलो बेचारा परेशान हो गया था अभी। और भाई यहाँ भी अपना 4 बज गया भाई, करेक्ट 3 बज गया भाई। अपना नेटवर्क तो आया नहीं भाई के, जियो के आ गए हैं अभी तक, एयरटेल की नहीं है, पर एयरटेल की भी आ ही जाएंगे भाई, मुख्य बात है क्योंकि जयराम जी भैया सही है। चलो कर दो भाई ना बात, इतने ना रहे तू बात कर ले है ना रहे। हेलो जयराम जी की भैया। तो भाई मेरे को कोई बात बतानी थी, अभी एक चेक पोस्ट हमने जैसे पास करी, वहाँ से हम यहाँ आए हैं अभी जैसे भाई तेरे टाइम यार हमारा जियो फुल टैग का मार रही है। जैसे भाई हम अभी उड़े थे, अब एक चेक पोस्ट मिली वहाँ से थोड़ी दूर, जैसे आपने देखा हमें खोक्सर की चेक पोस्ट थी वो। तो भाई वहाँ से यहाँ से प्लेन रस्ते हैं, तो यहाँ पे देखना आपकी स्पीड लिमिट दी हुई है, ठीक है। आपको लगेगा कि अरे पहाड़ों में कौन खड़ा होगा भाई, इस रस्ते पे स्पीड रन वाले हिमाचल प्रदेश के लेके खड़े होते हैं, क्योंकि रस्ते इतने प्यारे हैं कि बंदे भगाते हैं 100% और स्पीड लिमिट 50 है भाई। तो मेक श्योर कि आप स्पीड लिमिट में ही जा रहे हो, उससे ऊपर नहीं भाई, वरना दिक्कत है भाई। ठीक है, अभी हम वहाँ से आए थे उधर से, हमने यहाँ पेट्रोल डल लगा के सोचा थोड़ी फोटो वगैरह खींच लेते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ गाड़ी लगाई साइड में। चलो थोड़ा फोटो खींचते हैं, थोड़ा वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत तेज विंड ब्लास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ है। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू हियर मी और नॉट, सॉरी इफ यू आर नॉट, क्योंकि बहुत तेज आवाज है भाई। ये देखो एक्चुअली ठीक है, और सामने भाई पुलिस वाली खड़ी रहती है, शायद उसके अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो अगर ऐसा हुआ तो हम शायद नहीं करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग एनी चांस विद देयर सेफ्टी। सामने क्या पुलिस आराम मिलेगा अभी जाके, एंड दिस इज मजा आ जाएगा, बहुत ज्यादा तेज हवा है यार। As I always say, don't litter, गंदगी ना फैलाएं। इधर सामने भाई कंस्ट्रक्शन एक और चली हुई है हमारी, ब्रो बहुत तगड़ा काम कर रहा है बीआरओ वाटर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ किस चीज की कंस्ट्रक्शन तो चल रही है भाई, आई डोंट नो किस चीज की, शायद ब्रिज बना रहे होंगे भाई। हाँ हो सकता है भाई कि दो रास्ते बना दें, वैसे जरूरत है नहीं ऐसे, पर पता नहीं भाई सोच के कर रही होगी। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, काफी बड़ा ही कुछ बना रही है। देखो भाई क्या बनता है आने वाले में, बताना पड़ेगा। बट वैसे वो ब्रिज इज इनफ, अभी तक तो इतना ट्रैफिक होता नहीं है, बट मे बी हम पीक सीजन में नहीं आए तो हमें पता नहीं। मैं इस साल से 2 बार आया हूँ, अब तक आज दूसरी बार है ना। और अभी उस साइड और मजा आएगा, अपनी पैंगोंग इज वेरी बिग और थोड़ा उनमें ऑफकोर्स उनमें ब्यूटी ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा चंद्रताल कम ब्यूटीफुल थी, थोड़ी कम थी, बट स्टिल आई थिंक जो ड्राइव उसकी है ना वो बहुत एडवेंचरस है। जो एडवेंचर लवर है वो फिर भी वहाँ जाएंगे फॉर श्योर। अगर आपको अच्छे लगे एडवेंचर करना है आप आराम से जाओ, बट बी प्रिपेयर्ड, जैसे मैंने बोला था तो प्रॉब्लम मुझे भी थी आपको ना हो। चलो कैच यू लेटर फिर रोहतांग पास पार्ट करते हैं, उसके बाद पार करके आपको दूसरे डिब्बे मिलते हैं। लो जी अटल टनल कर लिया हमने पार और हम निकल लिए भाई बाहर। अब तो क्या बना रखा है लेफ्ट में, सुंदर वैली आ गई समथिंग, सोलांग वैली भाई आगे, सॉरी देख रहे अलग है ना। अब मनाली की तरफ आगे, मनाली आया तू पहले, मैंने ना आया कभी भी। ओहो चलो जी भाई, भाई दोनों साइड पहाड़ इतना फर्क आ गई तुम तो। हाँ भाई इतना फर्क है बहुत ज्यादा। और आप अगर ठंड में आओगे, अगर आपने देखा होगा भाई तो इधर से तो बिल्कुल बर्फ बिल्कुल हल्की फुल्की होगी, और आप उधर पहुंचोगे तो सब कुछ भरा मिलेगा एकदम,
इतनी बर्फ पड़ेगी उससे, एक टनल के पार सौ जितना फर्क है ना। तो भाई फर्क देख लो व्यू में, एक टनल क्रॉस करते के साथ ही, जैसे भाई ऑब्वियसली वहां सूखे बंजर पहाड़ थे, पेड़ नहीं थे, यहाँ पे खत्म कोई, क्योंकि मनाली साइड भाई पेड़ बहुत है, उधर नहीं है, उधर थोड़ा बंजर है। इसी चक्कर में यहाँ बारिश भी ज्यादा पड़ती है भाई, और प्रॉब्लम भी ज्यादा है लैंडस्लाइड की, मनाली शिमला इनमें ही होती है। तो देख लो भाई सोलांग वैली मैं खुद पहली बार जा रहा हूँ, मैं भी नहीं गया हूँ मनाली, तो मैं काफी बार आया हूँ पर सोलांग वैली तक नहीं गया। और इस टाइम जाने का फायदा ये रहेगा कि जाम नहीं मिलेगा, वरना टूरिस्ट जब ज्यादा होता है भाई तो इतना जाम होता है सोलांग वैली में कि आपकी हालत टाइट हो जाएगी, दो दो घंटे आप जाम में ही फंस करके जाते हो। हम इस टाइम एक नंबर बढ़िया टाइम पे आया भाई, सही बताओ, सही बता नहीं, बहुत अच्छा टाइम, इतना गंदा जाम रहा है सोलांग वैली में कि पागल हो जाएगा तू। गाइस भाई सोलांग वैली अभी हम पहुंचे थे, सोलांग वैली बिल्कुल भाई खाली पड़ी है, कोई है ही नहीं, गेस्ट वगैरह कोई, एडवेंचर एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा भाई, क्योंकि जाम ही नहीं, वो ही नहीं था कुछ, वो ही नहीं था, आदमी ही नहीं है भाई, गेस्ट ही नहीं है, कैफे वगैरह सब बंद पड़ा है आगे, तो आई डोंट फाइंड नो पॉइंट रुकने का, फिर क्या ही मतलब है। सोलांग वैली देख ली हमने, हाँ यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटो वगैरह लेते हैं, एंड उसके बाद फिर भाई सीधा या तो मनाली चलेंगे या कुल्लू, लेट्स गो। मनाली सच में डिस्ट्रॉयड है, मैन पीपल से कि डिस्ट्रॉय नहीं हुई होगी भाई, देख लो हाल क्या हो पड़ा है मनाली का, यह हाल है। हमने तो बीच में देखा भाई पूरे पूरे रोड जा रखे हैं, डबल लेन रोड भाई, एक पूरी लाइन गायब, इतनी गंदी लैंडस्लाइड हुई है, तो भाई तभी दुनिया डरी हुई है आने से। चलो हम ठीक है यार, हम इस टाइम पे आ गए भाई, सही टाइम पे पहुंच गए, चलो आगे सामने हम सामने रोड जा रहे हैं। हाँ देख लो, ये देखो भाई, अगर आपको देखना हो तो ये हाल है मनाली का, एक्चुअल में मनाली इज डिस्ट्रॉयड, ये डबल लेन था, देखो पूरा पूरा रोड गया भाई, ये देखो साइड में, ये उधर इतना होना था ये रोड और वो गया, ये चल रहा है भाई, तो बी सेफ भाई अगर यहाँ हो तो, यार थोड़े दिन में तो कर ही देंगे यार ऑफिस से रेडी इसको दोबारा, ये रोड पूरा गायब है भाई, पूरा भाई वो पूरा, अरे यार जब डबल हाईवे था भाई, सोचो ये सिर्फ आने का था, उधर का पूरा गायब है, वो देखो आगे आपको टूटा हुआ दिखेगा, लेफ्ट में देखना भाई, जाने का, अरे भाई साहब भाई देखो लेफ्ट में ये रोड टूटा हुआ है, अगर आप देख रहे हो तो ये देखो भाई साहब डिस्ट्रक्शन, मनाली में काफी 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 भाई काफी नुकसान हुआ है भाई, पीछे बहुत सारे रोड देख के आए भाई, कि मतलब आधे आधे रोड गायब है, ये सिंगल ही रोड बना रखे उन्होंने अभी, और आगे दिखाता हूँ कैसे कैसे रोड है, अभी हम जा रहे हैं बंदर भाई, मेरी तो फट गई देख के, चीज काफी रोड खराब है भाई, काफी काफी नुकसान भाई साहब भाई, मैं क्योंकि अरे देखो देख पूरा गया पड़ा है भाई, देखो भाई ओ शिट भाई, इसमें तो तीन अगर चार लेन हाईवे था तो एक बची है, ये देखो हम कोने से जा रहे हैं, उधर से सब कुछ गया भाई, देखो दिस इज द डिस्ट्रक्शन इस बार की, और भाई रे मनाली पूरा खत्म हो गया, खत्म है भाई मनाली सच में, मैं अब भाई तेरी कसम मैं सोच रहा हुआ इतना ना हुआ होगा, खत्म है मनाली भाई, गॉन सही में, किसी ने सही गई थी कि भाई मनाली को भरने में 10-15 साल लग जाएंगे, जो किसी ने सही कहा है भाई, 10-15 साल आराम से लगेंगे पूरे रोड गए, 10 साल दोबारा लग जाएंगे चीजें, अरे भाई हद होगी, 10 साल पीछे कर दिया भाई, तबाही तबाही है भाई पूरी मनाली, हम तो बहुत बढ़िया टाइम पे यार ऐसी चीज देखने को दोबारा दोबारा नहीं मिलती, अभी तो सेफ है यहाँ पे सब कुछ, अब भाई लैंडस्लाइड तो जा ली सारी अब, पर बहुत नुकसान हुआ भाई, राइट में देखो ना भाई, अभी देखो सब कुछ टूटा पड़ा है, और यहाँ हाईवे था कभी पूरा, ये ऊपर आठ लेन हाईवे था, 8 लेन हाईवे का देखो क्या हो गया भाई, फोर लेन हाईवे का देखो क्या बन चुका है भाई, सिस्टम हैंग गया, तो चलो आप सिक्योर दिखाते भाई, आप देखो भाई रोड तो ऑब्वियसली सीधा जाना चाहिए था, और आगे तो हाईवे खत्म ही कर दिया, बिल्कुल ही खत्म हो गया, तो इस वजह से अंदर से कहीं से डाइवर्ट कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, हाईवे ही खत्म है भाई पूरा, यहाँ आगे तक पीछे तक एक एक पगडंडी तो थी, यहाँ तो पूरा हाईवे ही चटका दिया, ले भाई और घर वर नीचे रखे हैं कितने, तो उस साइड भाई टेढ़े रखे हैं, हाँ सर नदी के किनारे थे ना, नदी के किनारे थे भाई, पाड़ दिया सब कुछ अंदर थे पानी ने, छोड़ दे थोड़ी तो भाई साहब, चलो जी चलो, ऐसा ही है सीरीज का नाम ही डिस्ट्रॉयड हिमाचल रखते हैं। लो जी भाई, तो अब हम जहाँ पे जा रहे हैं रायसन में, एक हमारे जानकार है भाई साहब, हमारे जीजा जी हैं, एक उनके क्लास के क्लासमेट है उनके, तो भाई हम वहीं जा रहे हैं जस्ट अभी, उनकी आगे रास्ते ही रास्ते आगे कौन सा रास्ता है भाई, यही यही है भाई, तो जी हम उनकी एक होम स्टे उन्होंने कराया हमारे लिए, बहुत अच्छे आदमी है भाई, बहुत हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ भाई ना बराबर रेट पे दिया है, और इतना अच्छा कॉटेज अभी आप देखोगे ना तो आप भी कहोगे भाई मतलब ये रेट दिया है कि मतलब आप सोच रहे फ्री में भी है, और ये ना सोचे कि मतलब भाई आपने पैसे भी दिए, हाँ वो एग्जैक्टली भाई, वो बस इनने ये कर दिया कि हम शर्मी में जो आगे देख गए उनको बुरा लगे, उनको बुरा लगे, उनको पता है हम वो बोलते हैं कि फ्री में दे रहे तो आएंगे नहीं, विच इज ट्रू, ठीक है, तो उनने भी एक ऐसा रेट बोल दिया भाई जो हम दोनों ही हो गए थे कि यार अरे
भाई ने इतना सस्ता लगा दिया मेरे लिए, पर यार ये है कि ये बस प्यार मोहब्बत है भाई, और क्या है। नहीं तो देख ले, एक हमारे जो जी जजी है उनकी क्या कहते हैं भाई उसको, दोस्ती काम आ रही है आज जी हमारे, तो बस भाई वही देखते हैं आपको। अब सीधा देख ले, पतले पतले रस्तों के थ्रू है भाई रास्ता, जो कॉटेज है हमारी उसका भाई अच्छी होगी कॉटेज 100% जब ऐसे रस्ते हैं तो। और फोटोज भाई हमने भी देखी थी, फोटोज भी बहुत आर पार की है भाई। बस चलो अब तो बस पहुंच ही जाएंगे भाई, एक मिनट 200 मीटर दूर, 200 मीटर सही है। नहीं तो नहीं, बिल्कुल ऑफ आके है, अलग आके भाई बिल्कुल। नदी के बिल्कुल पास में, बिल्कुल नदी के पास ही है क्या? ग्रीन वैली कॉटेज भाई पहुंच गए हम, ये रहा भाई से पूरा कॉटेज हमारे लिए 1000 रुपए में। भाई मैं हाथ जोड़ू बंदे का, घर बहुत अच्छा आदमी है तू तो, मैं प्यार मोहब्बत हुआ है मैं मानू, पर लेकिन पूरे कॉटेज को हम करेंगे क्या? गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर लेंगे, अगले की फ्री है। हाँ ठीक है, बस ठीक है, अगले की फ्री है तो हम क्या कर सकते हैं, फ्री है तो दे दे भाई, अब हम क्या करें, जब ये दे रहा है अगले की खाली पड़ी है, चल कोई आके अपना ही बंदा रुक गया। ओके करते मान वाला हूँ मैं, तुम्हारा सबसे बेस्ट है आपकी बार का, ये जो मैं बता रहा था अभी आपको कि एक हमारे जानकार है उनका है, उनने मेरे कराया भाई, भाई बहुत डिसेंट, कुछ भी मेरे बगैर मिनिमल प्राइस भी नहीं होता ना उससे भी कम, अगर इसके लिए आप जो भी प्राइस सोचोगे ना उससे 10 गुना कम सोच लेना, वही प्राइस उन्होंने हमसे मांगा है और हम मना भी नहीं कर सकते, राम राम फंस गए जो भी एक्स वाई जेड, बट भाई आप स्टे देखो बहुत सुंदर, हम इससे आपको व्यू दिखाएंगे बाहर का, रिवर बिल्कुल आगे उधर की तरफ है, आपको सारे व्यू दिखाएंगे, थार अपनी यहाँ खड़ी है, बेहद गंदी हो चुकी है। और भाई अब तो नहा धो के सीधा हम जाएंगे रघुनाथ जी के मंदिर दर्शन करने, क्यों भाई? ओके तो भाई सॉरी आपको उस टाइम के बाद जैसे मैंने घर दिखाया मैं पता नहीं भूल गया सब कुछ, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, हम दरअसल नहाए धोए भाई सीधा जल्दी निकले और हम पहुँच गए कुल्लू, और कुल्लू में पहुँच गए श्री रघुनाथ जी मंदिर, भाई कुल्लू में बहुत फेमस मंदिर है, राम जी का मंदिर है भाई, इसकी स्टोरी बहुत पुरानी है, इसकी स्टोरी मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, अभी आपको मैं सिर्फ दर्शन कराता हूँ मंदिर के, काफ़ी प्राचीन मंदिर है भाई, तो उसी तरह मंदिर जाते हैं अभी अंदर से। भाई तो गाइस भाई हमने दर्शन तो कर लिए रघुनाथ जी मंदिर के, आपको दिखाया अभी हमने, फिलहाल हम आ गए हैं कबाब जनकरीस, जो एक आउटलेट है कहाँ पे, ये है कुल्लू में आउटलेट, हमारे जो लोकल दोस्तों ने बताया था कि बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, तो भाई चलो लेट्स हैव आवर फूड, बढ़िया से खाते हैं और दब के फिर चलते हैं, कह रहे सारा सौदा है यहाँ तो चेकते हैं सब कुछ। तो जी कबाब जनकरीस पे भाई हमने खाना ऑर्डर कर लिया अपना, हमने कढ़ाई पनीर करी है और रोटी और रायता साथ में, तो देखो कैसा आता हो, आई होप इट्स वेरी गुड, क्योंकि हमने एक चीज़ स्किप करके वो चीज़ पकड़ी है, तो आई रेडी होप कि अच्छा होगा, बाकी होगा जैसे देखते बताएंगे आपको, जब भी खाना पहले खाते हैं और हम खाते हैं उसके बाद इसी रेट है और फिर ऑर्डर पर जाते हैं वापस। ओके तो भाई ये हो गया मेरा खाना, रायता हो गया, सलाद होगी, पनीर, कोक, चलो खाते हैं भाई उसके बाद देखते हैं क्या करना है।